जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर जो नया सीखने वाले हैं वो क्या है, वुडवर्ड फिशर रूल। ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, यानी अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा सेट करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन डालने की चॉइस उसके सबसे पहले रहती है। यानी आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तो हमेशा की तरह होता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल है क्या? ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा होगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम इससे क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर लैम्डा मैक्स हम इसे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ में लेते हैं क्योंकि हम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से लैम्डा मैक्स। तो सारा खेल हमारा आज का लैम्डा मैक्स का ही रहेगा। चलें, हमें जो भी क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करने के लिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रहा हूँ हमें सिर्फ वो फॉलो करनी है। चलिए, सबसे पहले पॉइंट जो हम लेंगे वो लेंगे बेस वैल्यू का। क्या बोला मैंने? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमारे पास में तीन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट, पहला तो रहेगा होमो एनुलर। होमो एनुलर ये सिस्टम हो सकता है। सेकंड हमारे पास में हो सकता है हिट्रो एनुलर। ओके, और थर्ड हमारे साथ पास में हो सकता है एसाइक्लिक सिस्टम। ओके, अब दुनिया ये होता क्या है वो तो देखेंगे, लेकिन जब जब हमारे सामने ये सिस्टम आएंगे तो हम इनकी कौन कौन सी कितनी वैल्यू लेंगे वो मैं यहाँ पे आपके इसके सामने मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, इसके लिए जो हम बेस वैल्यू लेंगे वो लेंगे 253 नैनोमीटर। कितनी लेंगे? 253 नैनोमीटर। ओके, हेट्रो के लिए क्या लेंगे? 214 नैनोमीटर। ओके, और इसके लिए लेंगे 217 नैनो। ये हमें पता होनी चाहिए। अब कैसे यूज़ में लेंगे वो देखेंगे। हमें बस अभी इतना ध्यान रखना है, होमो एनुलर आया तो हमें क्या लेना है, 253, हिट्रो आया तो 214, और एसाइक्लिक सिस्टम आया तो ये। अब सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। इधर आ जाते हैं और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ आपके सामने। ये लीजिए, एग्जाम्पल वन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल टू। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ये लीजिए, तीन एग्जाम्पल आपके सामने। अगर ऐसे कोई एग्जांपल आता है तो सबसे पहले इनकी बेस वैल्यू हमें मेंशन करनी होती है। सबसे मेन चीज़ बेस वैल्यू के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसा है। अब सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, उसका हमें वुडवर्ड फिशर करना है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि सिस्टम क्या है। तो सुनिए, होमो एनुलर का मतलब है विद इन द रिंग। एक ही रिंग में अगर हमारे पास में सिस फॉर्म के अंदर, मैंने क्या बोला, सिस फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास में क्या रहेगी, एल्कीन रहेगी। देखिए, ध्यान रखिए, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इस ई रिंग में, इस रिंग में ध्यान रखिएगा, सेम रिंग में, ये भी सेम रिंग में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसमें भी है। ठीक है, होमो एनुलर, होमो एनुलर। ओके, अब मान लीजिए कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कुछ ऐसे रहे। ये लीजिए, मैंने क्या बोला, ये दोनों सिस फॉर्म में। सिस का मतलब क्या है, इधर देखिए, दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में अगर हैं तो हम इसे बोलेंगे सिसॉइड फॉर्म, सिस डबल बॉन्ड। अगर दोनों डबल बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो मैं इसे क्या बोलूँगा, ट्रांस। इतना पता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कैसा है, ये डबल बॉन्ड इधर, ये भी इधर, यानी ये वाला सिस्टम जो है सिसॉइड फॉर्म है, ये भी सिसॉइड फॉर्म है, सिस है।
और ये जो है ये ट्रांस है, एक डबल बॉन्ड इधर और एक इधर, यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं इसे साइड में मेंशन करता हूँ तो ये ऐसा कुछ आएगा, आ रहा है क्या? हाँ, तो ये जो है हमारा ये कैसा हो गया, बिल्कुल इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसोइड फॉर्म। अगर किसी सिस्टम में ट्रांस डबल बॉन्ड आ रहा है ऐसे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, ये तो हो गया हेटरो एनुलर, और ऊपर वाले दोनों कैसे हो गए, होमो एनुलर। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सिस आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, होमो एनुलर। ट्रांस सेल की ना रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेटरो एनुलर। चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट। ये सिस्टम देखिए, ये सिस्टम के इस साइक्लिक फॉर्म के बाहर हो गया डबल बॉन्ड, इन सब में साइकिल सिस्टम में आ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें इस साइकिल के बाहर हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए साइक्लिक सिस्टम। क्या हो गया ये, ए साइक्लिक सिस्टम। ओके, ये हमने सिस्टम देख ली। अगर ये सिस्टम आते हैं तो इनकी बेस वैल्यू क्या क्या होगी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, गॉट इट। चलिए, तो ये तो बेस वैल्यू से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अब कुछ ऐसे टर्म देखेंगे जिसके आते ही हमारा डेल मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सेकंड, वो लेंगे इंक्रीमेंट। पहला तो हमने लिया बेस वैल्यू, कि बेस वैल्यू कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन सी है। अब हम लेंगे इंक्रीमेंट, कि कौन कौन सी टर्म आते, कितने का इंक्रीमेंट होगा डेल मैक्स के अंदर। ठीक है, पहला देखिए क्या है, फर्स्ट है रिंग रेजिड्यू क्या होता है देखेंगे, लेकिन जब भी ये आएगा तो हम प्लस 5 नैनोमीटर वेवलेंथ जो बेस वैल्यू है इसमें ऐड कर देंगे। सेकंड, रिंग रेजिड्यू आ गया, अब हम लेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है तो हम इसमें प्लस 3 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं भाई। थर्ड, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, रिंग रेजिड्यू जो है वो एक ही बात है, अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसमें मोस्टली आता नहीं है, इसको हम लास्ट में लेंगे। एक्सोसाइक्लिक डी डबल बॉन्ड, अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम प्लस 5 इस नैनोमीटर इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, क्या बोला, दोबारा से देखिए, रिंग रेजिड्यू के लिए प्लस 5, डबल बॉन्ड के लिए भी प्लस 5, नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक के लिए भी, हाँ बिल्कुल, क्या क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन के लिए प्लस 30, प्लस 5, प्लस 5। अब मैंने बोला अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये आता है तो भी हम प्लस 5 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं, किसमें, इस वाली बेस वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे। चलो, ये तो हमने देख लिया कि इतना इंक्रीमेंट लग जाएगा अगर ये आए तो, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइए, रिंग रेजिड्यू को कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखिए आप क्या करें, जब भी आपको सिस्टम दे तो ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये हमारा जो मेन सिस्टम है, उसको मैं ऐसे एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इस सर्कल से रिलेटेड जो भी बॉन्ड या ग्रुप्स हैं उनको मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया है कितने कट लगे, ध्यान से देखिए, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है और एक ग्रुप नीचे की तरफ है। तो कितने हो गए, काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 6 रिंग रेजिड्यू हैं इस सिस्टम में। आगे चलते हैं, मैंने क्या बोला, जो सिस्टम है उसको आप प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, ये मैंने सर्कल बना लिया इसके चारों तरफ, ठीक है, गोला बना लिया, और इससे कितने रिंग रेजिड्यू जुड़े हुए, 1 2 3 और ये 4, जितने भी बॉन्ड हैं या ग्रुप बोल लूँ मैं, वो रिंग रेजिड्यू रहेंगे हमारे, समझ में आया। इसमें कितने हैं, 4, तो 4 रिंग रेजिड्यू
ओके नेक्स्ट, ये सिस्टम देखिए, इस सिस्टम में डबल बॉन्ड सिस्टम कौन सा है उसको आप गोला कर लीजिए, और इससे जितने भी ग्रुप अटैच है वो सारे के सारे रिंग रेजिड्यू रहेंगे। एक केरा तो मैं क्या बोलूँगा, टू रिंग रेजिड्यू, RR का मतलब रिंग रेजिड्यू, ठीक है। इधर आइए, इसमें कितने रिंग रेजिड्यू रहेंगे, हमारा जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा ये लीजिए, इससे जितने भी ग्रुप अटैच हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, 1, 2, 3, 4, ये फोर रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट हैं हमारे सिस्टम में, फोर रिंग रेजिड्यू। ओके चलें, तो रिंग रेजिड्यू हमारा क्या हो गया, कंप्लीट, हमने इसे समझ लिया है। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, इसको सबसे लास्ट मिलेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है उसको सीख लें, नाम से पता चल रहा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी किसी भी साइकिल के जस्ट बाहर जो डबल बॉन्ड लगा होता है उसे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देता हूँ आपकी, जैसे ये रिंग है, इसके जस्ट बाहर इस टाइप का डबल बॉन्ड, या इस टाइप का डबल बॉन्ड, एक ही बात है, ले देखिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट सिस्टम में देखिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए, क्या इसमें है, नहीं, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रिंग में ऐसे नहीं हो रहा, तो इसमें इसमें भी नहीं है, तो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे देखिए, इन दोनों रिंग को जब मैं सेपरेट करता हूँ, एक बार समझने के लिए कर रहा हूँ, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के जस्ट ऐसा सिस्टम बना रहा है क्या, देखिए ये डबल बॉन्ड बनाया है और ये रिंग बनाई है, समझ में आ गया क्या। अब मैं ये वाली रिंग बनाता हूँ, इसके जस्ट बगल में बना देते हैं ऐसे, ये लीजिए ये रिंग बनाई है और ये वाला डबल बॉन्ड बना दिया, आगे क्या समझ में क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस टाइप से। तो कितने हो गए, एक ये हो गया और एक ये, इसमें दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, गॉट इट। तो ये भी हमने क्या कर लिया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डन। नेक्स्ट, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, देखिए अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट वो आपको कुछ इस तरह से देगा, अभी हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा, अभी मेंशन करता हूँ। जैसे ये सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, तो अब ये R ग्रुप है ना, इसको मैं रिंग रेजिड्यू में कंसिडर करके अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा। रिंग रेजिड्यू का मतलब है रिंग का पार्ट, ये रिंग का पार्ट नहीं है, तो हमें इसे किसको किस में कंसिडर करूँगा, अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। और जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, मैंने यहाँ लगा दिया, मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये जो R मैंने मेंशन किए हैं वो क्या है, रिंग रेजिड्यू। लेकिन अगर R यहाँ लगा हुआ है तो मैं इसे रिंग रेजिड्यू में, सॉरी, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि ये इस सिस्टम का, ये जो हमारा क्या है, बेस वैल्यू वाला पोर्शन है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जैसे रिंग रेजिड्यू ले रहे थे ना, इस डबल, इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच, वैसे ही ये R इस सिस्टम से कहीं ना कहीं अटैच होना चाहिए। देखिए ये R मैंने इस सिस्टम से अटैच किया डबल बॉन्ड वाले से, ये वाला R भी मैंने इस सिस्टम से और ये वाला R भी इस सिस्टम से अटैच किया है, समझ में आ गया क्या है। तो हमारा रिंग रेजिड्यू भी क्या हो गया, सॉरी, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपके लिए, ये लीजिए, क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ गया, और इसने एक डबल बॉन्ड ऐसे भी दे दिया, ठीक है। देखिए क्या क्या चीज़ दी है, सॉरी ये तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है ना, कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए भाई, कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए, ये लीजिए, अब ठीक है। देखिए ये जितने भी डबल बॉन्ड मैंने बनाए सब कॉन्जुगेशन सिस्टम है, क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ में भाई आप बोलोगे कि अभी आपने जो बताया उसके अंदर ये दो डबल बॉन्ड हमारे आ गए और ये सिसोइड फॉर्म में है, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, होमो एनुलर, ये इसमें बेस वैल्यू क्या लूंगा, होमो एनुलर की 253 नैनोमीटर, डन, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे
ये डबल बॉन्ड का क्या करें, अगर ये डबल बॉन्ड है इस सिस्टम के साथ में कॉन्जुगेशन में होगा जैसा कि है अभी, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो गया, एक बढ़ गया, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, गॉट इट। ओके, अब एक प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्या आपको कभी कभी दोनों सिस्टम दिखाई देंगे, होमो एनुलर भी दिखेगा, हेटेरो एनुलर भी आपको सिस्टम में दिखाई देगा, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बनाया है। अगर किसी किसी को ये सिस्टम लग जाएगा कि भाई ये होमो एनुलर हो गया हमारा, चलो किसी किसी को ये भी तो लग सकता है कि आपने ये हेटेरो एनुलर सिस्टम क्यों नहीं लिया, यहाँ पे होमो क्यों लिखा, ब्राइटनेस बढ़ गई, सनलाइट आ गई, हाँ क्यों नहीं लिया। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी होमो और हेटेरो एनुलर दोनों आते हैं आपके सिस्टम में, तो हम होमो वाले को प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे, होमो एनुलर वाले को प्रायोरिटी देंगे। चीज़ समझ में आ गई कि होमो और हेटेरो दोनों प्रेजेंट है तो हमें होमो वाले को लूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इसका मतलब ये नहीं कि आपने होमो वाले को, रेड वाले को ले लिया तो इस डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड कंसिडर कहाँ हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के अंदर हम इसे क्या डाल देंगे, डाल देंगे। समझ में आ गया क्या है, ये तो था हमारा क्या है, ये सिस्टम की इनको समझते कैसे। अब हम उस पोर्शन में कूदेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा। ओके, अब एग्जांपल पोर्शन को लेते हैं। आइए, आपके सामने चार एग्जांपल है, हमें चारों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आया कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग आपको इस सिस्टम का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले बेस वैल्यू, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या लेंगे, सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रांसोइड फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है, ट्रांसोइड। मैं डबल बॉन्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कैसा है, ट्रांसफॉर्म में। समझ में आ गया कि क्या है, इधर देखिए ऐसा ट्रांस ही, ट्रांस को मैं क्या बोलूँ, हेटेरो एनुलर, हेटेरो एनुलर की बेस वैल्यू कितना है, 214, तो वैल्यू लिखी 214 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट बेस वैल्यू हो गई, अब इनमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इधर आ जाइए, रिंग रेजिड्यू लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए रिंग रेजिड्यू, आर शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। रिंग रेजिड्यू प्लस फाइव करते हैं, रिंग रेजिड्यू काउंट करते हैं कि भैया कितने हैं। मैंने क्या बोला कि जो सिस्टम, इसको आप ऐसे राउंड कर लीजिए, ये लीजिए, इसके इससे जो बॉन्ड अटैच है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्टली अटैच है, जो कितने हैं दोबारा काउंट कीजिए, 5, तो कितने हो गए रिंग रेजिड्यू, 5 × 5 है और 5 ही इसकी वैल्यू है एक की, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, तो लिख लेते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, यहाँ पे है नहीं, 00 लिख लो। नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने, देखिए इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो गया, इस रिंग के लिए ये बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो गया, और इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो गया। यानी कैसे, ये जो रिंग है इसके लिए डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, ये वाली रिंग है इसके लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, इस वाली रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, तो कितने हो गए, 3। तो क्या लिख देंगे हम, 3 × 5 = 15 नैनोमीटर। कैलकुलेट कीजिए इनको, कितना हो गया, 5 × 5 = 10 14 1 2 4 5 and 2 2 5 4 नैनोमीटर। ओके, डन, इट इज लैम्डा मैक्स। क्या निकाला है हमने, लैम्डा मैक्स किसके लिए निकाला है, इस सिस्टम के लिए। चलिए आगे, ये आपके सामने, हमें इसे भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है लैम्डा मैक्स। कीजिए, पहले सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए, सिस्टम क्या है, डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, तो ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है क्या, सिस्टर्ड फॉर्म में, तो होमो एनुलर हो गया, कैसा हो गया, होमो एनुलर, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी,
होमो एन्युलर है तो 253 नैनोमीटर, कितना हो जाएगा 253 नैनोमीटर, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 253। ओके, रिंग रेजिड्यू कितना है, देखिए जो आपका सिस्टम है आप उसे क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसमें जितने भी डबल, जितने डबल बॉन्ड सिस्टम से जितने भी बॉन्ड में मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 × 5 इजिकल टू 25 नैनोमीटर। ज़रूरी नहीं हमेशा 5 ही निकले, ज़रूरी नहीं है, ये आ रहा है तो हमने लिखा है 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट डबल बॉन्ड एक्सटेंशन इसमें है ही नहीं, 00 नैनोमीटर। नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट कीजिए कितने, 1 जो है इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक का काम करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है इस वाले रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक का काम करेगा, तो 2 हुए, 2 × 5 कितना हो गया 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट अल्काइलिक ग्रुप है ही नहीं तो छोड़िए, काउंट कीजिए क्या हो गया 8, ये हो गया 8, इतना आ गया 8, 288 नैनोमीटर, ठीक है क्या, बिल्कुल। चलें इसको काउंट कीजिए, आप कीजिए, हाँ क्या होगा, हाँ भाई बेस वैल्यू क्या होगी, बेस वैल्यू होगी एसाइक्लिक सिस्टम की, तो बेस वैल्यू क्या लिखेंगे, 217 नैनोमीटर। समझ आ गया क्या, समझाने की जरूरत नहीं, पता है ना, तो ये होमो एनुलर है ना, हेट्रो एनुलर है, साइक्लिक सिस्टम है, क्योंकि डबल बॉन्ड साइकिल के बाहर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आरआर, रिंग रेजिड्यू कितने हैं आपके, रिंग रेजिड्यू कैसे काउंट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, आप ऐसे कर लीजिए इसको सिस्टम को, और इससे जो भी बॉन्ड अटैच है मैं इसको मार्क करूँ, डायरेक्टली अटैच जो है 2 आए हैं, 2 × 5 × 10 इजिकल टू 10 नैनोमीटर। ओके गॉट इट। नेक्स्ट डबल बॉन्ड एक्सटेंशन इसमें है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है 1, ये इस रिंग के जस्ट बाहर ये डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना ऐड करेंगे 5। नेक्स्ट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, है लेकिन इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच नहीं जुड़ा हुआ तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इधर आइए, इसको काउंट कीजिए कितना आ रहा है, ये आ गया 12 3 2 नैनोमीटर। ओके गॉट इट, तो हमारा ये जो हमने लिया है उसके साथ में हमने क्या करा है, इसको भी देखने की कोशिश की है, तो हमने ये जो है हमारे आंसर ये लैम्डा मैक्स आए, क्या है लैम्डा मैक्स। चलिए 4 नंबर आपके सामने, 4 नंबर को देखिए, हाँ 4 नंबर आप खुद से कीजिए, देखिए बेस वैल्यू 217 बेस वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि ये एसाइक्लिक सिस्टम है नैनोमीटर, ठीक है। रिंग रेजिड्यू काउंट कीजिए, रिंग रेजिड्यू कितने हैं, देखिए इस सिस्टम के अंदर, अभी सिस्टम कॉन्जुगेशन में है तो आपको पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1 और 2, 2 का मतलब कितना हो गया 2 × 5 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन इसमें है, देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंशन आ गया है हमारा, तो हम इसे लेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, हम इसके लिए 30 ऐड करते हैं, लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट लास्ट क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक्सोसाइक्लिक लिख लेंगे, डबल बॉन्ड हमें पता है कितना है 2, 2 नीचे और 2 ऊपर, समझ आ रहा है कि इस रिंग के आई से कोई हमें उंगली नहीं करता, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही कर रहा है इसके साथ, तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो कितने हैं 2 × 5 10 हम ऐड कर देंगे इसमें, ये लीजिए अब सिर्फ ऐड करना है आपको, क्या करना है एडिशन, कितना आ गया 0 3 1 4 5 6
260 नैनोमीटर। ओके ओके एक मिनट सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स टू सिक्स सेवन नैनोमीटर लैम्डा मैक्स, ये लीजिए। तो ये हुआ क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स वुडवर्ड हॉफमैन रूल से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हम चलते हैं कुछ अलग सीखने के लिए। वुडवर्ड हॉफमैन वुडवर्ड फिशर रूल ही लेंगे लेकिन कुछ अलग कंपाउंड्स के लिए। कौन कौन से कंपाउंड के लिए लेंगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम कंपाउंड लेंगे वो अब हम लेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अब इनके लिए हम लैम्डा मैक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो कुछ अलग तरीके से होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड है और इसमें जो एक्स है वो क्या क्या हो सकता है उसके बेस पे हम बेस वैल्यू लेंगे। मान लीजिए एक्स आपका एल्काइल ग्रुप है, क्या है एल्काइल ग्रुप, इधर लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, 215 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू रहेगी। ओके नेक्स्ट मान लीजिए हाइड्रोजन है, 207 लेंगे इसके लिए नैनोमीटर। और मान लीजिए OH ग्रुप या OR ग्रुप है तो हम इसके लिए बेस वैल्यू खोलेंगे 193 नैनोमीटर। ये हम थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बेस वैल्यू हो गई, जो मैंने अभी बताया वो क्या बताया, बेस वैल्यू। ओके, बेस वैल्यू होगी अगर ये होगा, मोस्टली 215 ही आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है, 215 ही आपको क्या करना है, लर्न करना है। चलें आगे। चलो अब एक नेक्स्ट, ये तो पहली चीज थी बेस वैल्यू। सेकंड, अब हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, अपन लेंगे इसके अंदर अब इंक्रीमेंट का मतलब पता है ना क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है, कितनी सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा मिलने लग जाए तो इंक्रीमेंट ही होता है। ठीक है, चलिए इंक्रीमेंट कैसे कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहले रिंग रेजिड्यू को ले लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा रहेगा रिंग रेजिड्यू। ओके, रिंग रेजिड्यू जो है कैसे कैसे होगा तो सुनिए, पोजीशन के हिसाब से मैं हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। पोजीशन का मतलब कैसे, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, पोजीशन कौन कौन सी रहेगी वो मैं इधर लिखूँगा और इनकी वैल्यू कितनी रहेगी वो मैं लिखूँगा। मान लीजिए अल्फा पे है, बीटा पे है या गामा पे है। आपका रिंग रेजिड्यू अगर अल्फा पे है तो मैं 10 दूंगा, बीटा पे है तो 12 और गामा पे है तो मैं 18 प्लस कर दूंगा। रिंग रेजिड्यू के लिए कितने प्लस कर दूंगा, 18 अल्फा बीटा गामा के हिसाब से। ऐसे सुन में आया क्या, ये लीजिए अल्फा है तो 10, बीटा है तो 12 और गामा है तो ये। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। हाँ भाई, इसके लिए कितने करेंगे, प्लस 5। थर्ड, इसमें होमो एन्युलर अगर आ जाता है तो हम उसके लिए प्लस 39 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, प्लस 39। फोर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सॉरी वो तो आ गया, और एक्सटेंशन इन डबल बॉन्ड, रिंग एक्सटेंशन जिसे अपन बोल रहे हैं, रिंग एक्सटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 30 जैसे हम जोड़ते आ रहे हैं। ये नैनोमीटर में ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर चेंज नहीं होगा। फिफ्थ, मान लीजिए साइक्लोपेंटेनोन आ गया तो क्या बोलेंगे, बेस वैल्यू 4 साइक्लोपेंटेनोन, इसके लिए
0.02 नैनोमीटर, बेस वैल्यू क्या रहेगी 202, कितनी रहेगी 202। ये थोड़ा कुछ आपको लर्न करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसको दिमाग में डाल लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा जो भी कर रहे हैं अब कर रहे हैं। हाँ, पहले तक ये फैशन चल रहा था कि अभी जो हमने पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन आता था, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है कि रिंग एक्सटेंशन कैसा होगा, इस तरह से होगा, होमोन्युलर में ये होगा, एक्सोसाइक्लिक में होगा, बेस्ट वैल्यू साइक्लोपेंटेनॉन बाई साइक्लोपेंटेनॉन, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए बेस वैल्यू। ठीक है, और रिंग रेजिड्यू मैंने आपको बता ही दिया अल्फा बीटा गामा के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने ये वैल्यू मेंशन कर ली है। अब हम इसको सीखेंगे, कैसे देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, आइए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। इसके अंदर अगर मैं बेस वैल्यू की बात करूँ तो बेस वैल्यू क्या लूँगा, यहाँ पे एक्स की जगह मैंने सी एस थ्री लगाया एल्काइल ग्रुप, तो 215 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट रिंग रेजिड्यू की बात करेंगे, तो रिंग रेजिड्यू का मतलब है जो डबल बॉन्ड सिस्टम है आप उसे पैक कर लीजिए, जो मैंने बता रखा अभी तक सेम। अब इसमें अल्फा बीटा को आइडेंटिफाई कीजिए, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये खुद अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा का नहीं लेंगे, अल्फा पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप होगा तो उसे कंसिडर करेंगे। तो रिंग रेजिड्यू की बात करते हैं, रिंग रेजिड्यू अल्फा पे कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, बीटा पे दो हैं, बीटा पे दो हैं, बीटा के लिए 12, तो 2 × 12, ये बीटा के लिए लिख रहा हूँ, 24 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, साइकिल ही नहीं है एक्सोसाइक्लिक क्या होगा, होमोन्युलर रिंग ही नहीं है, होमोन्युलर कहाँ से होगा, रिंग एक्सटेंशन, रिंग एक्सटेंशन ये डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, ये हमने भाई रिंग एक्सटेंशन नहीं है, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, ध्यान रखना। ठीक है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, दो ही डबल बॉन्ड है हमारे सिस्टम में, तीसरा होता तो बात करते। बेस वैल्यू फॉर साइक्लोपेंटेनॉन, ये हमारे साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम है नहीं, तो अब इनको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐड करने पे क्या आएगा, 9.32 नैनोमीटर, दिस इज द आंसर, लैम्डा मैक्स ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया क्या, करेक्ट आ गया। नेक्स्ट, ये सिस्टम आपके सामने है, बड़ा डरावना सा सिस्टम है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिस्टम को ऐसे राउंड कर देना है ताकि हमारे लिए ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, बेस वैल्यू, हाँ भाई बेस वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू होगी ये 215 नैनोमीटर। क्यों होगी, क्योंकि एक तरफ तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दूसरी तरफ कार्बन है अल्काइल ग्रुप, इसलिए 215 नैनोमीटर। नेक्स्ट रिंग रेजिड्यू की बात करते हैं, रिंग रेजिड्यू अल्फा पे देखते हैं, अल्फा पे, अल्फा दिस इज अल्फा, हाँ भाई मैं मेंशन कर देता हूँ पहले तो अल्फा बीटा और गामा, दिस इज अल्फा बीटा गामा और डेल। ठीक है, अल्फा पे एक बॉन्ड है एक्स्ट्रा, ये रहा, तो मैं क्या बोल दूंगा, एक है, तो एक के लिए मैं क्या बोलूँगा, 10 × 10 क्या जाएगा, 10 नैनोमीटर। ओके, बीटा पे कोई भी एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप या ग्रुप नहीं है, गामा अल्फा बीटा गामा डेल, डेल पे है, तो ध्यान रखिएगा गामा के आगे जितने भी होंगे डेल वगैरह जो भी होंगे उनका 18 ही लेंगे हम, कितना लेंगे 18, 1 × 18 कितना हो जाएगा 18 नैनोमीटर। नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो देखिए दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारा हो गया। प्लस 5 नैनोमीटर, ओके, होमोएनुलर, बिल्कुल होमोएनुलर इसके अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, होमो एनुलर, इसके लिए हम कितने लेंगे, प्लस 39 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, बिल्कुल दो डबल बॉन्ड से ज़्यादा एक और आ जाता है और वो भी कॉन्जुगेशन में है,
जो कि उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्लस 30 डबल बॉन्ड एक्सटेंशन प्लस 30 नैनोमीटर। और कुछ ये तो हमारा है नहीं, लास्ट ऐड कर लीजिए भाई इन सबको और क्या आंसर आएगा बताइए। यहाँ पे ये आपके लिए लैम्डा मैक्स, ठीक है, जो भी आ रहा है कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, एडिशन इज सिंपल। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस वैल्यू इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, बेस वैल्यू क्या लेंगी 215 नैनोमीटर। ओके ओके, इसको मैं ऐसे राउंड कर लेता हूँ, ये आपकी राउंड करना कोई ऐसा कुछ नहीं, रूल नहीं है, ये हमारे लिए ताकि हमें अच्छे से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखिए रिंग रेजिड्यू की बात करते हैं, अल्फा बीटा मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, अल्फा पे भी एक है और बीटा पे भी एक बॉन्ड है, तो मैं क्या बोलता हूँ रिंग रेजिड्यू अगर मैं बोलूँगा आर आर फॉर अल्फा, तो अल्फा पे एक बॉन्ड है तो मैं 10 ऐड कर दूंगा, बीटा पे एक है तो बीटा के लिए मैं कितना ऐड कर दूंगा 12 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बिल्कुल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक है तो एक्सोसाइक्लिक प्लस 5 नैनोमीटर। नेक्स्ट होमोएनुलर, नहीं होमोएनुलर नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, दो ही डबल बॉन्ड है, तीसरा था तब हम इसकी बात करते हैं, तो ये ऐड कर लीजिए इनको, ले लीजिए कितना आ गया 242 नैनोमीटर। इधर आइए इसको सॉल्व कर दें, ये रहा चिन्नो सा, इसके लिए बेस वैल्यू क्या लेंगे, बेस वैल्यू इसके जस्ट ऊपर लिखी हुई है, तो बेस वैल्यू हम इसके लिए क्या लेंगे 202। हाँ भाई इसके लिए अब अल्फा बीटा गामा देख लीजिए क्या क्या है, ये हमारा सिस्टम है, दिस इज ये जिससे जुड़ा होता है वो अल्फा ये बीटा, ठीक है ठीक है, तो अल्फा पे कुछ नहीं है, बीटा पे दो हैं, कौन कौन से, एक तो मिथाइल ग्रुप और एक ये वाला बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे रिंग रेजिड्यू, तो बीटा के लिए लिखेंगे, बीटा के लिए दो है, दो 24 नैनोमीटर। ओके नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, होमोएनुलर नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ नहीं है, नहीं है नहीं है, तो 226 नैनोमीटर। ये जो क्वेश्चन है अब आपके सामने ये वाला, ये अभी कॉलेज लेक्चरर हुआ था, एजुकेशन कॉलेज लेक्चरर, ठीक है, टेक्निकल का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ब्लास्ट वाले का जो ऑप्शन था इसका तो टोटल करना है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, तो कमेंट करेंगे तो लिख देना टोटल, ठीक है, और इसका लिखिएगा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, इसमें कोई आपने कोई बड़ी चीज़ नहीं की, ऐड कोई भी कर सकता है, ये है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आज हमने वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन, सॉरी बार बार पेरिसाइक्लिक आ जाती है, वुडवर्ड फिशर रूल हमने देखा है, ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा, कोई भी चीज़ है अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।